है अभी जो लड़का किताब बॉक्स में जाएगा टीम ए और टीम बी से ये जनरल नॉलेज का एक क्विज होने जा रहा है। आप लोग तैयार हैं? तो इसमें तीन राउंड चलेगा। पहला राउंड होगा गेम एंड स्पोर्ट्स से, गेम एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होगा तीन, उसके बाद पॉलिटिक्स से क्वेश्चन होगा, ठीक, उसके बाद जनरल स्टडी से क्वेश्चन होगा। तीन राउंड चलेगा ये क्विज। क्विज के बाद जो टीम विजय जीत हासिल करेगी उसे इनाम से भी नवाजा गया जाएगा जनरल स्पोर्ट्स डे के दिन, ठीक ना? तैयार है आप लोग? चलिए टीम ए और टीम बी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगा। पहले एक रो कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, एक रो कंप्लीट होगा। ऐसे टीम ए और टीम बी को कैसे पढ़ने कैसे होगा? एक साइड से बैठिएगा आप लोग, तुम लोग चार फुट के न चले जल्दी, जिससे पूछेंगे वो आंसर देगा। अच्छा, और तीसरा राउंड चलेगा, किसी सभी किसी को भी आंसर देने के लिए वो फ्री है। जैसे मुंह से मेरा क्वेश्चन समाप्त होगा आप लोग आदमी के लिए प्लांट्स जरूरी है, ठीक है? वही कहानी है, ये मोती निशानी, मोती निशानी। ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन फ्लक्स, इन फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स चेंज, चेंज, निरंतर तब्दीलियां, निरंतर इसमें चेंजिंग। तो ह्यूमन का पॉपुलेशन जो है दिनों दिन चेंज हो रहा है, मतलब ये कि उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है, इजाफा हो रहा है। फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे सम पीपल डाई, इसका एक वाहिद वजह यह है, एक आसान सा कारण यह है कि लोग मर रहे हैं, डेली लोग की लोगों की मृत्यु हो रही है, डाई व्हाइल अदर्स आर बॉर्न, जबकि दूसरे पैदा हो रहे हैं, मगर पैदा होने की जो का जो दर है वो मृत्यु दर से इसमें दिख रहा है कि स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ज्यादा। फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस द नंबर ऑफ बर्थ वाज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ। ओके, मैं इसको सेकेंडरी स्कूल का एम हूँ, मेरा नाम शहबाज अहमद है, मैंने पी आर सी एन 2010 में किया है, कामटी से किया है, और ये इसका मैं मेरा बटालियन का नाम है 11 मेरा बटालियन एनसीसी पटना का इंटरनगर इसका हेडक्वार्टर है, और हमारे यहाँ बच्चों को 100 बच्चों को परेड जो है इसको तैयारी कराई जाती है, डिफेंस के बारे में इसको पूरी जानकारी दी जाती है, आर्म्स के बारे में जानकारी दी जाती है, और उसको फिजिकली मोटिवेट किया जाता है कि वो फिजिकली बहुत अच्छा करें और आगे भी वो जो है अच्छे से अच्छा काम करें। जब से यहाँ कंप्यूटर वगैरह आया है तब से यहाँ का जो है यहाँ बहुत बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं और इससे उनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। खास करके इसका जो मेन मोटो है एनसीसी का जो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसको बरकरार रखते हुए बच्चे जो है कंप्यूटर भी कुछ सीख रहे हैं, जिससे उनको आधुनिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिल रही है और वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीसी में भी वो अच्छा करें। एनसीसी में कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ताकि एनसीसी में जो काम करने के लिए कहा जाता है बच्चे हर काम को कर सकते हैं, बच्चे के अंदर जो है हर तरह की भावना होती है, वो कंप्यूटर भी चला सकते हैं और ख़ास करके फिजिकल वर्क भी कर सकते हैं। मेंटल वर्क के लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है जो एनसीसी में, जो कंप्यूटर को अलग देखे और दूसरे चीज़ों को अलग देखे, इसलिए हमारे यहाँ के बच्चे जो है कंप्यूटर पर विशेष ध्यान देते हैं और वो अच्छा से अच्छा काम। रैमिंग एग्जांपल है आपका रैम और दूसरा है आपका रोम। रैम को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है कि जिसका कोई पैटर्न नहीं हो। जैसे घड़ी के कांटे में क्या होता है कि 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद 3 बजेगा। लेकिन रैंडम में क्या है कि वो आप फ्री है, उससे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर सीडी हम लोग बजा रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 50वां गाना सुनना है, आप सिर्फ रिमोट से 50वां सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला गाना में अचानक 1 टिप पे आप फोन में चले आ रहे हैं, वो सिलेक्टिव पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये किसका फायदा हो गया? ये डिजिटल का ये हम लोग को फायदा मिला है रैंडम। इसके बाद क्या था, उससे पहले एनालॉग था, जैसे टीवी में हो रहा था ना, चैनल हम लोग चेंज कर देते 1 2 3 4 5। लेकिन अभी में क्या है, अगर हम 25वां देख रहे हैं तो सिर्फ 25 टिकते हैं, पहुंच जाते हैं 25वें पे। लेकिन उसमें क्या था कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होगा, या तो आप पीछे अगर आइएगा तो 12वें पे आएगा। लेकिन ऐसा उसमें कुछ था नहीं। ये हम लोग फायदा आया डिजिटल के बाद, ठीक है। अभी हर कुछ क्या डिजिटल हो रहा है। जैसे आपका अभी रिसेंटली में चेंजिंग किसमें आया है, आपके घर में जो डिश था अब सेटअप बॉक्स लगाया गया है, उससे क्या हो गया कि आपका पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्या हो गया, सब डिजिटाइज हो गया है, मतलब हर कुछ साफ हो गया, ठीक है। एनालॉग में क्या फायदा था, एनालॉग उसको बोलते हैं, एनालॉग में जिसमें कि कांटा के द्वारा उसका डिस्प्ले हो, और डिजिटल में क्या होगा, नंबर के थ्रू। जैसे ये वाली अगर घड़ी बोलेंगे, ये कौन सी घड़ी है? एनालॉग। क्यों है एनालॉग घड़ी? क्योंकि इसमें कांटा है, क्या है, कांटा है, ठीक है। डिजिटल में क्या होगा कि नंबर हो, जैसे 12 बजे दिखेगा 12.00, जो डॉट डॉट जो ब्लिंक करता रहेगा वो आपको सेकंड को दिखाता है, जो लेफ्ट साइड में वो आवर को दिखाएगा, राइट साइड में मिनट को दिखाएगा। यही है डिजिटल और ये, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का अगर बात करेंगे हम लोग, हाँ सेकेंडरी मेमोरी का अगर बात करेंगे हम लोग, तो वो है आपका क्या, सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम लोग स्टोरेज परमानेंटली कर सके। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है आपका, वो प्राइमरी है। जैसे कि अगर उसमें जब तक आपको लाइट रहेगा तब तक तो वो चीज़ काम करेगा, जैसे ही उसको लाइट ऑफ कर देंगे या सिस्टम बंद करेंगे, जो कार्ड या जो भी फाइल में रैम में सेव है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब फाइल आउट हो जाएगा, मतलब वहाँ से वो हट जाएगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में अगर स्टोर करोगे वो आपका परमानेंट रहेगा। जैसे सीडी में अगर जो गाना है वो आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। मेमोरी कार्ड में जो गाना स्टोर करते हैं वो हमेशा रहेगा, जब तक हम उसको मिटाए नहीं, चेंज नहीं करें, ठीक है। प्राइमरी में क्या रहेगा आपका, कुछ समय के चलिए लाइन से चलिए आप लोग, वीडियो हो रहा है, लाइन से जाइए, चलिए लाइन से। आ रहा है।